हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैट। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन है मार्केट में। अभी जो सेलिंग आया लास्ट वीक, लाइक रोज़ मार्केट गिर रहा है, तो बहुत लोग स्पेकुलेशन है, बहुत लोग ये प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि शायद जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो शायद कंटिन्यू ना करे, या फिर जो लाइक कंटिन्यू करने से भी बहुत सीट्स कम मिलेंगे। जो भी है, एक पॉलिटिकल इशू, मतलब पॉलिटिकल एक इशू नहीं, जस्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा, मतलब बहुत नीचे तक गिर जाएगा, बहुत कुछ है। हाँ, बहुत हद तक बहुत कुछ सही है, बहुत हद तक बहुत कुछ गलत है, लेकिन आपको क्या करना है? देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं होना है क्या मतलब, अभी अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, या ना प्राइस को ट्रेड करो। अगर आप लाइक फंडामेंटल ट्रेडर, फंडामेंटल वाइज, या फिर आप कॉम्बो हो, तो टेक्निकल फंड दोनों मिला के करो। आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर भी बहुत होते हैं, और लोग न्यूज़ बेस्ड से ट्रेड करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सा ट्रेडर हो। आप ये नहीं करना कर सकते हो कि आप टेक्निकल ट्रेडर हो, फिर न्यूज़ सुन के आप सेल कर रहे हो, बाय करो, वट एवर, तो ये सब नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है अभी, और सिंपल रखना है अभी चीज़ों को। और अभी क्या दिख रहा है चार्ट में, अगर मैं बीइंग अ टेक्निकल ट्रेडर, मैं बीइंग अ प्राइसिंग ट्रेडर, मैं चार्ट ही देखता हूँ, चार्ट को ही एनालाइज करता हूँ। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कौन आ रहा है पार्टी, स्पेकुलेशंस में नहीं करता हूँ, मतलब स्पेकुलेशंस ही करता हूँ, लेकिन मैं प्राइस को स्पेकुलेट करता हूँ, मैं न्यूज़ को स्पेकुलेट नहीं करता। तो आपको प्राइस को अगर स्पेकुलेट करना है, प्राइस को ट्रेड करना है, देन प्राइस को आप ट्रेड करो अच्छे से, लेकिन आप उसको न्यूज़ के हिसाब से लेके मत जाओ। अभी प्राइस एक्शन जैसा बन रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन सच में कितना नेगेटिव है, कितना नहीं है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। धीरे धीरे चार्ट में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ट देखेंगे अच्छे से, सब कुछ हम लोग वो डिसाइड करेंगे। और लेकिन मैं जस्ट ये आपको इन्फॉर्म बता रहा हूँ कि अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी करेंट सिचुएशन पे बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। आपको लग रहा होगा कि सेल करे ना बाय करे, अगर किसी को लग रहा है सेल करे तो शायद वो गलत हो, किसी को लग रहा है बाय करे तो शायद वो गलत हो। तो अभी करना कैसे है और मैं क्या करूंगा, मेरा क्या प्लान है अभी इस मार्केट में, तो मैं आपको वो सब बताऊंगा, मेरा लॉजिक, मेरा प्लान, मैं वो सब लेके मैं मार्केट में आपको जो अभी मुझे जितना पता है, मेरा लिमिटेड नॉलेज है, वो आपको मैं दूंगा कि अभी नेक्स्ट वीक या फिर लाइक कमिंग डेज के लिए कैसे हम लोग देख सकते हैं। मैं रोज वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल, क्योंकि रोज़ बनाने से वही हो रहा है कि इसके नीचे सेल करो, इसके नीचे बाय करो, और अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, तो हम लोग वो सा मतलब नहीं कर पा रहे हैं ना। तो लास्ट वीक हम लोग ने जो डिस्कस किया था वही हुआ, थोड़ा और डीप करेक्शन। मैंने बोला था कि इस लेवल को नीचे की तरफ टच कर सकता है, देन उससे थोड़ा और डीप आ गया, तो वही अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते। चलो चार्ट पे चलते, अच्छे से वहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, जो ये कैंडल बना है, एक काफ़ी बेयरिश कैंडल है, काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, मतलब ट्विस्ट आएगा, इन द सेंस ट्विस्ट आ सकता है, और बहुत सारा ट्विस्ट है यहाँ पर। मैं आपको कुछ बता, मतलब एकदम डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे बाद में। ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल ने मतलब, और इसके बाद जो ये कैंडल बना, ये दो मिला के मुझे एक लाइक एक बड़ा टारगेट दिखा रहा है, ठीक है? अराउंड लाइक इस लेवल तक 42,500 तक टारगेट दिखा रहा है मुझे। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दिन दो दिन में, तीन चार महीने में आ सकता है, नेक्स्ट क्वार्टर में आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? लेकिन 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 इसमें बहुत बड़ा चीज़ है, इस कैंडल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक फुल्ली बेयरिश नहीं होना है। हाँ, अभी मैं आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अभी मैं देखो, मैं दो तरीके से ट्रेड करूँगा इस मार्केट में अभी। एक तो इसके नीचे जब तक नहीं आएगा मैं स्टॉक्स बाय करते रहूँगा, ठीक है? इसके नीचे जब तक नहीं आएगा मैं स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, जो 15-20 दिन होल्ड करने के लिए, एक महीना दो महीना होल्ड करने के लिए, वो सब स्टॉक्स में इसके नीचे जब तक ना आए मैं तब तक बैंकिंग स्टॉक्स बाय करते रहूँगा, मान लो, ठीक है? तो इसके नीचे बाय करते रहूँगा तब तक मैं, और इसके लिए जब तक नहीं आता, वायलेट नहीं करते, तब तक मैं बाय करते रहूँगा। हाँ, जो अच्छा स्टॉक्स देखेंगे मैं बाय करते रहूँगा। और ये जब बैंक निफ्टी ऊपर जाते रहेगा, यहाँ पर अगर कुछ मुझे सेलिंग पोजीशन दे रहा है, मान लो कुछ मुझे सेलिंग सिग्नल दे रहा है, थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, लाइक 30 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, कुछ भी दे रहा है, थोड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट मिनिमम होना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं, 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे कुछ अगर सेलिंग सिग्नल दे रहा है, मैं सेल करूँगा, ठीक है? और मैं जो बोला 42,500 तक का मुझे लेवल दिख रहा है,
एक कब इनवैलिडेट हो जाएगा, जब इसको क्रॉस करेगा और 200-300 पॉइंट और क्रॉस कर लो, मान लो 50,300, इसका हाई कितना, इसका हाई लाइक ऑलमोस्ट 50,000, तो अगर मान लो 50,300 तक का आपका मतलब मेरा वो रहेगा कि इसके ऊपर जब जाया गया तब मैं ये वाला जो टारगेट है मेरा, ये वाला जो सोच रहा था, ये इनवैलिड हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन यहाँ मैं अभी कन्फ्यूजन में, अभी मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कन्फ्यूजन मार्केट है, तो इसके नीचे आने से ही बेयरिश पूरा होना है, और अगर ऊपर जाके फिर आता है, क्योंकि मैं इसको भी मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता और इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। मतलब मार्केट में जो ये वाला कैंडल बना है, जो यहाँ पर जो पूरा जंक्चर बना था ना, तो ये वाला कैंडल को मैं लो पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला जो बना है और ये दो कैंडल जो बना है, मैं इन तीनों कैंडल को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्लान लेकर चलूंगा, मैं यहाँ इसमें मैं जो स्टॉक मिलेगा मैं बाय करता हूँ, इसके नीचे अगर वायलेट हो जाता है बैंक निफ्टी, देन मोस्ट स्टॉक से निकल जाऊंगा मैं। हो सकता है तो इसके नीचे आने से मैं 50% स्क्वायर ऑफ कर दूँ, और इसके नीचे आने से मैं पूरा 100% स्क्वायर ऑफ कर दूँ मेरा स्टॉक से, ठीक है। और यहाँ पर तो मैं ऑब्वियसली एग्रेसिव बेरिश बन ही जाऊँगा तब तक। और अगर ये ऊपर जा रहा है, देन मैं अगर सेलिंग मान लो मुझे सेलिंग मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा इंडेक्स में, ऑप्शंस के जरिए हो, फ्यूचर्स के जरिए, व्हाटएवर, मैं इंडेक्स में तब सेलिंग करूंगा, लेकिन मेरे स्टॉक्स इंटैक्ट रहेंगे। स्टॉक्स में जब तक ये वायलेट नहीं होगा, मैं स्टॉक्स में मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक्स मेरा बाइंग पोजिशन रहेगा, ठीक है। और ये इन्वेलिड कब हो जाएगा, 50,300 के ऊपर इन्वेलिड हो जाएगा, और नीचे मेरा अगर इसको अभी ब्रेक करता है और इसे ब्रेक करता है तो कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन मैं विदाउट कन्फर्मेशन हो सकता है ऊपर जाके फिर आए फिर ब्रेक करे, ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज हैं, देन हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऊपर जाएगा तो जाएगा, जाने दूंगा मैं, और यहाँ तक मुझे क्योंकि बहुत नज़दीक आ गया तो मेरे लिए भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्टॉक्स बाय करता हूँ और अगर सडनली ये ऊपर चला जाता है तो मेरे स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ऐसा अभी मेरा प्लान है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो लास्ट वीक हम लोग ने क्या डिस्कस किया था वो याद करो पहले, कि इसके नीचे जो यहाँ तक मैं बोला था, डेली टाइम फ्रेम में आपको कैंडल दिखाऊंगा तब पता चलेगा मैं कहाँ तक बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि इस लेवल तक आ सकता है, मतलब बैंक निफ्टी ये वाला कैंडल के इसको टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ही आ गया, नहीं तो पहले 2 दिन में आ गया था, फिर ये ज़्यादा ही आ गया था, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर ही आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, और क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा था। और एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख लिया अच्छे से क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी हम लोग कर क्या सकते हैं, अभी हम लोग कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में मैं कुछ आपको चीज़ बताने वाला हूँ। जो ये कितना कैंडल बना है, रेड कैंडल, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शायद हिस्ट्री में मुझे लगता है 2 या 3 बार ही होगा जब 8 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल बना है। तो एक बाउंस बैक पेंडिंग तो है ही, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाउंस बैक पेंडिंग है, तो बाउंस बैक एक पेंडिंग है वो तो है। और बाउंस बैक के बाद जो मैं बोल रहा था कि अगर ऊपर जाता है फिर आता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग मिलने से मैं सेल करूंगा, लेकिन मैं नीचे जब तक ब्रेक नहीं करेगा मैं बाय, ऑब्वियसली ये वाला कैंडल के नीचे बात कर रहा था मैं, इसके नीचे तब तक मैं बाय करता रहूंगा, और हो सके तो मैं यहाँ तक जो 50% यहाँ के ब्रिज करने से 60-50% बुक कर लूँगा और लॉस बुक कर लूँगा, ऑब्वियसली लॉस ही होगा तब, और इसके नीचे और 50% लॉस बुक कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं तब तक एग्रेसिव सेलर बन के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका हूँगा। और मैं यहाँ पर अगर मुझे कुछ प्राइस एक्शन मिलता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके मैं शॉर्ट करना पसंद करूँ, क्योंकि शॉर्ट करने में मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और स्टॉप लॉस जेन्युइनली अगर मार्केट को गिरना होगा ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कराएगा। एक बात याद रखना, अगर शॉर्ट में आपको मार्केट आपका फेवर में जाना है तो आपका स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कराएगा, आप अगर अच्छी जगह पकड़ लिया तो आपका स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होगा, लेकिन बाइंग मार्केट में होता है, दैट इज ट्रू। बाइंग मार्केट में आप जितना अच्छी जगह में पकड़ो आपका स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ही होंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट तक जाने में कितना दिन लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँचा, 8 कैंडल में, जबकि हम लोग को पता है सेलिंग ऑलवेज फास्ट, 8 कैंडल में इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर हालांकि बहुत सारा बीच बीच में रेड कैंडल बना, बहुत सारा रेड कैंडल बना, फिर भी 7 कैंडल में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, 8 कैंडल में इसको ही ब्रेक नहीं कर पाया ये, ठीक है। अगर मार्केट में एक्सट्रीम सेलिंग होता तो इसको, तो मुझे नहीं लगता कि इसको 8 कैंडल चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। अगर ये 7 कैंडल में ऊपर जा सकता है तब तो उल्टा होता है नॉर्मली, कि 10 कैंडल में ऊपर जाता है 2 कैंडल में ख़त्म कर देता है, यहाँ पर तो उल्टा गेम हो गया, 7 कैंडल में ऊपर गया 8 कैंडल मिला के रोज सेलिंग आया फिर भी नहीं कर पाया, ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो आप कि बैंक निफ्टी वीक तो दिख रहा है लेकिन मतलब
अगर अच्छे से आप स्टडी करोगे तो वीक भी दिख रहा है लेकिन स्ट्रांग भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको वीकली कैंडल में बताया, वीडियो लंबा होगा, आराम से देखो, वीकली कैंडल में बताया ये दो कैंडल में इग्नोर नहीं कर सकता और ये कैंडल में इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब ये जंक्चर, मोस्टली ये जंक्चर में इग्नोर नहीं कर सकता, ये वाला जंक्चर जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये वाला जंक्चर मैं रख दूंगा मेरा एक रेफरेंस पॉइंट के मतलब तरह। मैं अभी स्टॉक्स ऐड करना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे कि हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ से बाउंस करे, फिर अभी हो सकता है क्या हो, ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन थोड़ा ऊपर जाए, ट्यूजडे के दिन भी ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, लोगों लगे पक्का सेलिंग है, ठीक है, फिर यहाँ पर आके फिर यहाँ से बाइंग शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, सब बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसलिए ट्रेड अकॉर्डिंगली, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड मत करो, प्राइस आपको बताएगा सब कुछ। अभी देखो प्राइस बता रहा है, आप बोलो कहाँ बता रहे थे, कन्फ्यूज़ कर रहा है, कन्फ्यूजन तो करेगा आपको, अगर क्लियर बता देगा कि हाँ बाय सेल करना। तो इसलिए देखो आपको हर चीज़ रखना है। मैं अभी अगर यहाँ पर बाय करूँगा, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, अब मैं बाय कर रहा हूँ, मेरा मान लो ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट ये है, सेकंड रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर इसको ब्रेक ही नहीं किया ऊपर जा रहा है तो मुझे बाइंग में, स्टॉक्स बाइंग में प्रॉफिट होगा, होगा ना। और यहाँ पर जो मुझे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगेंगे, मान लो अगर मार्केट जा रहा है मुझे सेलिंग सिग्नल नहीं दे रहा है तो मेरे स्टॉक्स में मैं कमा रहा हूँ अच्छे से, स्टॉक्स में मैं अच्छे से कमा रहा हूँ, अगर सेलिंग सिग्नल दे रहा है मैं सेलिंग कर रहा हूँ और मार्केट यहाँ से सेल आ रहा है, यहाँ मेरा मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इस सेलिंग में जो मैं कमाऊँ, क्योंकि अभी मैं सेलिंग करने से लंबा सेल करूँगा अभी मैं, क्योंकि मेरा टारगेट मुझे मिल गया एक 42,500 तक का टारगेट मिल गया, तो मैं उसके हिसाब से मैं सेल करूँगा, है ना, दो तीन महीना लगा के उसके हिसाब से मैं सेल करूँगा, तो मुझे उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा हेज टाइप का भी अभी करना पड़ रहा है, मतलब पड़ेगा ऐसा टाइप का लग रहा है मुझे, जो भी है, बट मैं ऐसे ही करूँगा मैं, क्योंकि मुझे जो चार्ट दिखता है मैं वही करता हूँ, मुझे चार्ट ये दिख रहा है कि हाँ ये वाला इग्नोर नहीं कर सकता, बट ये सब भी इग्नोर नहीं कर सकता, दोनों चीज़ इग्नोर नहीं करता, आप इग्नोर के मतलब कर ही नहीं सकता। और जो चैनल बना है, जो चैनल अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो देखो ये चैनल के लोअर पार्ट में भी है, हाँ चैनल के लोअर पार्ट में भी है, तो अभी हो सकता है कि ये चैनल ब्रेक ना करे, फिर ऐसा थोड़ा ब्रेक करके फिर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, चांसेस इधर। ये चैनल बहुत दिन से चल रहा है, ये चैनल हर चैनल में आपको, हर चैनल में ये चैनल दिखा होगा आपको, तो ठीक है। तो अभी निफ्टी समझ में आ गया ये वाला कहानी, तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो लाइक एकदम लाइक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा बुलिश नहीं होगा। 48,300 बहुत दूर है, 1,000 पॉइंट दूर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट दूर है। इसको जब तक ब्रेक 48,300 ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, मतलब बैंक निफ्टी बुलिश नहीं होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। इतना गिरावट के बाद मार्केट में जो बोला 8 दिन में इतना नहीं गिर पाया, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं ये पॉसिबल में अब मेरा मतलब अब मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में, ट्विटर में भी बहुत डाला था कि फ्राइडे को मुझे लग रहा था अच्छा खासा मूव आएगा ऊपर की तरफ, बट नहीं आया, ठीक है, मुझे लगा था 1,000 पॉइंट के ऊपर ऊपर की तरफ मूव आएगा, लेकिन नहीं आया, शायद ये मंडे को आए, ऐसा हो सकता है, चांसेस इज देयर। तो मंडे को हो सकता है हम लोग को पुल बैक मिले, अच्छा खासा पुल बैक मिले, कहाँ तक मिले पता नहीं, बट इस लेवल के ऊपर ही बुलिश होना है, तब तक आप सेल द बाउंस कर सकते हो, तब तक आप सेल द बाउंस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिला कुछ, यहाँ पर कुछ मिला आपको सेलिंग के लिए, करो ब्लाइंड सेल मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्लाइंड कुछ भी मत करो मार्केट में, ब्लाइंड सेल मत करो, अब पछताओगे। मैं यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट ब्लाइंड बाई किया था, लेकिन ठीक है मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मतलब लाइक काइंड ऑफ हुआ है, लेकिन मैं उस दिन ही निकल गया यहाँ पर, कि मेरा माइनर सा लॉस में मैं निकल गया। मैं यहाँ पर ब्लाइंड बाई किया था क्योंकि मुझे बहुत फीलिंग हो रहा था कि एक बाउंस आएगा अच्छा खासा, लेकिन नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए अभी ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, 48,300 के ऊपर ही आपको मतलब फ्रेश बाय करना है। और क्या करना है, अगर आपको अभी बोलते नेक्स्ट वीक ट्रेड या 1,000 पॉइंट दूर है, इतना दूर जाएगा फिर ट्रेड, तो आप थोड़ा सा इंट्राडे कर सकते हो या थोड़ा वेट कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, इंट्राडे देख लेते, तो फिर इंट्राडे में क्या कर सकते हो, इंट्राडे में सिंपल, इंट्राडे में बहुत नज़दीक है ये लेवल, ठीक है एकदम पास वाला, अब ज़्यादा दूर वाला उसमें मत जाओ, इसके ऊपर ही आप 600 के ऊपर, 47,600 के ऊपर आप बाय कर सकते, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, मैं आपको दो तीन चीज़ और बता रहा, अगर गैप डाउन खुलता है, पहला 5 मिनट का कैंडल आपका जो रहेगा, फर्स्ट फाइव मिनट्स का ब्रेकआउट में आप ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स में अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की तरफ, एक ग्रीन कैंडल बनाया
उसको ऐसे ग्रीन कैंडल जो भी ग्रीन कैंडल बना उसको ब्रेक करो ऊपर की तरफ, तो नीचे इसका स्टॉप लॉस रख के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो अगर मान लो बहुत बड़ा 5 मिनट में एक बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, तब आप क्या करोगे, वेट करो उसके अंदर कुछ एक बनाने दो। मान लो 5 मिनट में एक कैंडल बना, एक इनसाइड कैंडल टाइप का बन गया, या फिर और एक रेड कैंडल बना, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद जब रेड कैंडल को ब्रेक करेगा कोई ग्रीन कैंडल से, तो उस रेड कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो, तब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। और नीचे अगर 5 मिनट में आपको कुछ मिलता है तब सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सॉरी बाय कर सकते हो। और मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, इन केस मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो क्या करोगे, वेट करना, पहले एक नीचे आएगा, नीचे आकर अगर आपको कुछ मिल रहा है देन आप बाय करना। कल हो सकता है अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एटलीस्ट इस लेवल के आसपास कहीं पर क्लोज हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस लेवल के आसपास क्लोज हो या फिर थोड़ा ऊपर भी क्लोज हो सकता है। मैं आई वोंट बी शॉक्ड अगर ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ज़्यादा भी मूव आ गया, 1000 पॉइंट, 800-900 पॉइंट का भी मूव आ गया, आई वोंट बी शॉक्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, चांसेस इज देयर। तो हम लोग का अभी बैंक निफ्टी का पूरा क्लियर हो गया, अभी देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में भी सेम है, निफ्टी का भी सेम है, इवन सब मतलब पूरा इफ निफ्टी टोटल मार्केट सबका ही सेम है, ठीक है। तो अभी निफ्टी का क्या है, निफ्टी का ये वाला रेफरेंस पॉइंट है नीचे, मतलब अभी मैं स्टॉक बाय करता रहूँगा ए वाला जब तक नहीं टूटेगा, और सेकंड ये वाला 50% के लिए ये वाला रखा है मैंने, ठीक है। तो एकदम पास ही है, तो ये वाला ही पकड़ लो पूरा मेरे लिए, इसके जब तक इसके ऊपर है मैं बाय करता रहूँगा स्टॉक्स, मैं तब तक बाय करता रहूँगा, अभी स्टार्ट करूँगा कल से या फिर लाइक मैं शायद फ्राइडे को स्टार्ट भी कर दिया है, हु नोज। तो मैं मेरे लिए अभी मंडे से और भी मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा स्टॉक्स बाइंग में, भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊँगा, जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा मैं स्टॉक्स बाय करता रहूँगा कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन ये दो कैंडल भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, ये दो कैंडल, इस दो कैंडल का टारगेट कहाँ तक बन रहा है मेरे हिसाब से 19,000 तक का टारगेट बन रहा है, 19,000, आई नो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे बट मुझे लग हो सकता है 19,000 तक भी आ जाए, मतलब इस जोन तक, सॉरी इस जोन तक आ जाए, 19,000 तक आ जाए, इस लो को ब्रेक ना करके 19,000 मतलब यहाँ तक आके फिर ये फिर एक लॉन्ग टर्म एक पैटर्न बन जाएगा। लेकिन मार्केट अगर 19,000 तक आया तब भी क्या मार्केट क्रैश करेगा, नहीं। मैं आपको क्रैश का एक वो बताया था, तो अभी देखो 19,000 तक आने से कितना होता है, कितना परसेंट, फिर भी 16% ही होता है, फिर भी क्रैश नहीं है, क्रैश के लिए 20% से ऊपर होना चाहिए, तो मार्केट फिर भी बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो लोग इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये फिर भी बुलिश स्ट्रक्चर में है, यू गॉट माय पॉइंट। तो यही है, मतलब अगर 19,000 आ गया तब तक आप मार्केट में हल्ला मच जाएगा कि हाँ भाई मार्केट क्रैश कर गया, ये कर गया, लेकिन ये इस नॉर्मल बुल मार्केट में इतना होता है। तो इसके नीचे मुझे लगता है कि इसको ब्रेक ना करके ये एक ऐसा पिवट एक बनाए, देन फिर वो वाला लो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अभी मुझे जो लग रहा है मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये जो एक साइडवेज एक मूव कर रहा है, तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकता, और जो ये दो कैंडल बना है इसको भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, तो मैं दोनों मिला के चलूँगा। मुझे अगर सेल ऑन राइज मिलता है यहाँ पर 15 मिनट में 30 मिनट्स में मुझे मिलता है, मैं करूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा मैं करूँगा, स्टॉप लॉस हिट होता है इट्स ओके, क्योंकि मेरा नीचे स्टॉक्स है थोड़ा सपोर्ट के लिए, वहाँ पर भी थोड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉसेस, तो हिट होंगी ट्रेडिंग में, तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लॉसेस होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर भी थोड़ा मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं लाइक सेल ही करते रहूँगा, सेल करते रहूँगा कब तक, ऊपर मिलता रहेगा तब तक सेल करते रहूँगा जब तक कि 22,900 को क्रॉस ना करे, इस हाई के थोड़ा सा ऊपर तक जब तक क्रॉस ना करे मैं सेलोन राइज करते रहूँगा। अभी 1000 पॉइंट में मुझे हो सकता है 2-3 बार ही सेलोन राइज मिले और 2-3 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि मैं तो रैंडम सेलोन राइज नहीं करूँगा, मैं पॉइंट वाइज सेलोन राइज करूँगा कि हाँ कुछ मिला मैं करूँगा, तो मुझे 3-3 बार ही सेलोन राइज मिल सकता है। तो 3 बार में मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन नीचे मेरा नीचे स्टॉक बहुत सारा स्टॉक्स में बहुत सारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा अगर ये सब क्रॉस कर चुका होगा तो। और इट्स नॉट लाइक दैट मुझे मान लो सेलिंग मिला फिर ट्रेलिंग करूँगा, बहुत कुछ है ट्रेलिंग कर लिया, ट्रेलिंग करके थोड़ा लाइक लॉस को कम कर लिया, फिर धीरे धीरे ऐसा ही होता है ना ट्रेडिंग। तो आपको एक मतलब मुझे स्टॉक्स में मान लो 25% का रिटर्न मिल गया और यहाँ पर मान लो मेरा 4-5% का लॉस हो गया, फिर भी नेट नेट में 20% का प्रॉफिट में रहूँगा। तो वैसे आपको करना होता है लाइक वैसा करना है, हमेशा नहीं करता, लेकिन अभी चार्ट जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ आपको। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी ये भी थोड़ा सा जिस तरफ भी जाए मूव तो करने वाला है। अभी मार्केट सिचुएशन ऐसा हो गया
मार्केट हैज टू मूव, कहीं ना कहीं मूव करने वाला है। हो सकता है बिफोर इलेक्शन आ जाए वो मूव स्टार्ट हो जाए उसका मूव का, या फिर आफ्टर इलेक्शन उस मूव का स्टार्ट हो, दोनों में से एक होगा। लेकिन मार्केट में मूवमेंट पेंडिंग है, अच्छा वाला मूवमेंट पेंडिंग है। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन, इसका एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट बनता है, अगर होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन होगा या फिर ऊपर से फिर से और एक सेलिंग आएगा, अच्छा खासा सेलिंग आएगा। जो मैं बोला आपको 19,000 का लेवल आपको दिख सकता है नियर फ्यूचर में, दो तीन महीना में अगर आना होगा सेलिंग, दो तीन महीने में आपको मिल जाएगा। अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त तक आपको 19,000 मिल जाएगा और आपका बैंक निफ्टी में भी 42,500 आपको मिल जाएगा, अगर आना होगा तो तभी आ जाएगा। और अभी निफ्टी देखते हैं इसका, आपका अभी क्या कर सकते, इसके ऊपर बाय है बनेगा, 22,300 के ऊपर ही बाय बनेगा, इसके इसके पहले बाय नहीं बनेगा, लाइक थोड़ा सा पोजिशनल टाइप का, तो यही है अभी। और जैसा लग रहा है कि मंडे को थोड़ा सा आएगा मूव ऊपर की तरफ, आ सकता है। और मंडे के दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा ध्यान रखना, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी को ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मूव आने का चांसेस है। इसको भी सिंपल रखो, इस लेवल को एकदम अच्छा लेवल पे ही है, थोड़ा सा क्रॉस करते हैं 22,100 क्रॉस करते हैं बाय कर सकते हो। देन आपका पहला टारगेट तो ये वाला आराम से हो जाना चाहिए, 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। फिर हो सकता है मार्केट और भी ऊपर जाए, तो और ऊपर जाने से यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस थोड़ा मिलेंगे 300-350 के आसपास रेजिस्टेंस, इतना दूर पता नहीं लेकिन इतना दूर तक आने का चांसेस भी है, ज़्यादा नहीं लगेंगे मार्केट को, दो तीन कैंडल लगेंगे यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जिस लेवल पे दो तीन कैंडल में पहुँच जाएगा, पहुँचना होगा। तो आपको ये 22,100 क्रॉस करते ही आपको बाय करना है, और ऊपर आपको 22,200 का टारगेट पहला टारगेट बन रहा है, और इसके ऊपर लाइक आप हो सकते हो आप ट्रेल करो या फिर आप वहाँ बुक करके फिर देखो क्या मूव करता है। इंट्राडे के लिए 100 पॉइंट्स इज एनफ। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे देन आपको जो बोला बैंक निफ्टी में भी सेम, निफ्टी में भी है सेम करना है, बहुत बड़ा गैप अप में भी सेम करना है, दोनों का ही सेम है। अभी देखते हैं मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी भी देखो पूरा अच्छा रेंज पे है, ये एकदम सॉलिड दिख भी रहा है कि अप मूव के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ तक का टारगेट तो मुझे दिख रहा है, मतलब आपको 60-70 पॉइंट का टारगेट इसको क्रॉस करते यहाँ तक का टारगेट मुझे दिख रहा है, एकदम विजिबल है ये वाला टारगेट, ठीक है। तो मतलब आप पिन पॉइंट मत रखो, थोड़ा नीचे रखो, तो अब आपको टारगेट मिल, हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए तो आपको वहाँ तक का टारगेट आपको एक मिल जाएगा, 60-70 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल जाएगा। कुछ नहीं, फ्लैट ओपन करके बस इसको तोड़ने से हो गया, 890 का तोड़ने से हो गया, आपको 950 तक 60 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो, आराम से मिल जाएगा आपको ये। और नीचे की तरफ फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे की तरफ होता है ना, नीचे की तरफ आपको इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मिलेगा, 800 बहुत दूर है। अगर फ्लैट ओपन होगी इसको ब्रेक करेगा तभी होगा, अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन देके इसको तोड़ रहा है तब आपको ये हो सकता है कि मिल जाए आपको ट्रेड सेलिंग साइड में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ से जो शार्प बाइंग आया ना, मार्केट मोस्टली शार्प बाइंग एरिया को टेस्ट करता है, एक बार बहुत बार देखा गया इस शार्प बाइंग एरिया को टेस्ट करता है, यहाँ पर टेस्ट करके फिर जाता है। तो ये हो सकता है टेस्ट कर, अगर आपको ये इसके नीचे मिल जाए तो आपको आपको तब समझ में आएगा कि इसको टेस्ट कर सकता है, हो सकता है कल ना करे परसों करे। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये टेस्ट करने आ सकता है, चांसेस इज देयर इसको टेस्ट करने आ सकता है, तो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसको टेस्ट जब करेगा ना तो यहाँ तक ही आपको उसको रखना है, और यहाँ पर अगर आपको बाइंग मिल रहा है तब आपको यहाँ से बाइंग भी करना है, क्योंकि जहाँ से शार्प बाइंग आता है वो एरिया मोस्टली टेस्ट होता है, अगर टेस्ट होता है तो वहाँ पर अगर आपको बाइंग मिलता है बाइंग करना है। तो आपको समझ में आएगा सारा सिंपल पॉइंट्स जो मैं बताया, कि अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करो, कि इसको ब्रेक करके हो सकता है थोड़ा यहाँ से बाउंस कर जाए, इसको ब्रेक करने के बाद ट्रेड करो, देन आप इसके लिए टारगेट रख सकते हो। लेकिन मुझे एक दिन में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मूव फिर से आएगा, फिर भी आप कर सकते हो, यहाँ तक टारगेट रख सकते हो या फिर ऑप्शन सेल कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। इसको ब्रेक कर रहा है तो ऊपर का जो स्विंग बनाएगा उसके ऊपर ऑप्शन सेल कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा और यहाँ तक टारगेट बन जाएगा। तब यहाँ पर अगर बाय मिल रहा है तो इसको आप स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर पुट सेल भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर एक कैंडल में, तब आपका वो भी दोनों तरफ का भी हो जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ, मतलब हर एक इंडेक्स निफ्टी टोटल मार्केट के दिखा रहा हूँ, जो मतलब ऑलमोस्ट 750 स्टॉक्स का जो है, इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना थोड़ा सा दूर है, बट इट्स ओके, ठीक है, थोड़ा सा दूर है। मैं इस लेवल को ब्रेक करते ही, क्योंकि देखो मैं ऑब्वियसली स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा तो मैं निफ्टी 50 का स्टॉक्स तो नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होता है। मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक से पिक करूंगा, या फिर शायद पिक किया जो भी है, बट इसके नीचे आते ही मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा सारे स्टॉक्स। मेरा ये वाला मेन लेवल, मतलब कितना और कितना दूर, 500-600 पॉइंट,
यस इतना ही है यहाँ पर। मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वन गो में बाय करूँगा, अगर थोड़ा नीचे आता है मैं और बाय करूँगा, और नीचे आता है और बाय करूँगा। यहाँ पर मैं मान लो अगर कल मान लो मुझे फ्लैट मिलता है तो मैं यहाँ पर मान लो अपना 25% टू 30% मैं डाल दूंगा पैसा, 25% 30% पैसा यहाँ डाल दूंगा, यहाँ तक आया और 20% 25% डाल दूंगा, फिर यहाँ तक आया फिर डालूंगा, यहाँ तक के लिए वेट करूंगा, इसको ब्रेक करते मैं निकल जाऊंगा, देन मैं पूरा 100% निकल जाऊंगा। मेरा ज़्यादा से कितना लॉस होगा अगर मैं लाइक बहुत सारा स्टॉक्स पिक किया, मान लो 5-6 स्टॉक्स में लगाया, तो मैं मैक्सिमम 5-6% मेरा लॉस होगा, क्योंकि मैं थोड़ा एवरेज डाउन भी करूँगा, और एवरेज डाउन करूँगा और कोई मैं तो ऑब्वियसली, और मैं उस स्टॉक्स में तो बाय नहीं करूँगा ना, जस्ट ऐसे ही बाय कर रहा हूँ, मैं तो कुछ देख के बाय करूँगा, तो मुझे नहीं लगता इतना लॉसेस होगा, अगर यहाँ तक भी आ जाता तब भी इतना नहीं होगा, और इतना तो बनता है अगर इसको ब्रेक ना करें, फिर अगर इसको तोड़ेगा जस्ट इमेजिन स्टॉक्स कैसे भागेंगे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जिस स्टॉक्स में मोमेंट होगा, मोमेंटम होगा, मैं उसमें जाऊंगा, और ऊपर तब अगर इस मार्केट ही मूव करता है तो वो स्टॉक्स कैसे भागेगा, अगर ये 10% इंडेक्स भागता है मेरा स्टॉक्स 25-30% भागेगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आया, तो मेरे लिए अभी ये लेवल डू और डाई लेवल है, जैसे मैं निफ्टी बैंक में बताया था आपको लेवल, ये वाला टोटल मार्केट के लिए लेवल है, ये वाला जोन को आप मार्क करके रखो, जब तक इसको ब्रीच नहीं करता आप अननेसेसरी मार्केट में, अगर आपका कुछ पोजीशंस है, बाइंग पोजीशन है, अननेसेसरी सेल मत करो। आपका स्टॉक्स ब्रेकडाउन कर रहा है, आपका स्टॉक्स वैसा हो रहा है, वो आपका स्टॉक्स का देखो, लेकिन मैं इंडेक्स वाइज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टॉक्स अभी डिस्कस नहीं करता। अगर आपका स्टॉक्स ने ऐसा कुछ बनाया, आपका स्टॉक्स भी इसको ब्रेक कर रहा है, देन उस स्टॉक्स आप निकल जाओ, लेकिन मैं मार्केट वाइज बोल रहा हूँ, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट में हाहाकार नहीं मचेगा, इसको ब्रेक करते हाहाकार हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।